जय श्री महाकाल। आदेश। मंत्रों की जो कार्य पद्धति है वह बहुत ही अलग है। कई बार हम इस चीज को सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठ के फोन पर ही किसी भी व्यक्ति को सही कर देता है। आखिर ये पद्धति क्या है? क्या ये हमारा साइकोलॉजिकल वहम है मंत्रों को लेके, या फिर इसके पीछे कोई एक वैज्ञानिक तथ्य है? जो तथ्य ये कहता है कि जो हमारे मंत्र हैं उन मंत्रों के अंदर भी एक ऐसी एनर्जी चलती है जो एनर्जी सम्मोहन के तरीके से कार्य करती है। आपको जान के शायद ये आश्चर्य होगा, लेकिन कई बार ऐसा जरूर होता है कि कोई भी व्यक्ति जो हजार किलोमीटर दूर बैठा है, यदि वो फ़ोन पर मंत्र पढ़ता है तो हजार किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति ठीक हो जाता है तुरंत से। और हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं क्या ऐसा संभव है या फिर ये हमारा एक वहम है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ जो स्थिति है ये एक हिप्नोटाइज और सम्मोहन की स्थिति है। यानी मंत्रों के अंदर ऊर्जा का जो समावेश है वो इतनी अत्यधिक मात्रा में सम्मोहन की स्थिति प्रकट करता है जिससे हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। तो मंत्र जो हैं वो इसी तरीके से कार्य करते हैं। मंत्रों के माध्यम से आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है उस व्यक्ति की समस्या के ऊपर कि उस व्यक्ति को समस्या कैसी है। यदि कोई छोटी मोटी समस्या है तो बिना फ़ोन के भी सिर्फ उस व्यक्ति को याद करके उसकी फ़ोटो देख के भी उसको हजारों किलोमीटर से मंत्र पढ़ते हुए एक हीलिंग देंगे या एक सम्मोहन करेंगे उसको कि इस व्यक्ति के ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो ठीक हो जाएं, वो हट जाएं उसके ऊपर से, वो ये व्यक्ति सामान्य हो जाए। इसके साथ ही आप देखेंगे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगा और पूरी तरीके से 5 से 10 मिनट में वो व्यक्ति अपने आप में सामान्य महसूस करने लगता है यदि उसके ऊपर कोई परालौकिक गतिविधि हो रही होती है। तो मंत्रों की जो कार्य क्षमता है वो इस तरीके से कार्य करती है। और मंत्रों के विज्ञान के अंदर एक ये सम्मोहन विज्ञान है जो मंत्रों के अंदर वास करता है। यानी कि मंत्रों के साथ वो सम्मोहन शक्ति चलती है जिस सम्मोहन शक्ति के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क को वो एक आदेश देती है कि तुम इस तरीके से ठीक हो रहे हो, तुम इस तरीके से पॉजिटिव हो रहे हो। तो ये भी एक विज्ञान है, मंत्रों के अंदर का भी एक विज्ञान है जिस विज्ञान को शायद हम नहीं समझते हैं, लेकिन यही विज्ञान है जो कार्य करता है। यही वो विज्ञान है जिस विज्ञान के माध्यम से हम किसी भी विषाक्त जंतु का जहर उतार सकते हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र के साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर एक तीव्र सम्मोहन हो जाता है और वो सम्मोहन के साथ ही उस व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसके शरीर की कार्य क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है उस अवस्था में। और इसके फलस्वरूप जो विषाक्त जीव है जिसने काटा है व्यक्ति को, उसका जहर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसमें से बिच्छू, ततैया और भी छोटे मोटे विषाक्त जीव। तो इस तरीके से मंत्रों की जो स्थिति है वो इस तरीके से कार्य करती है। यानी कि मंत्रों का, यदि आपको ये समझ आ गया कि मंत्र चलाए कैसे जाते हैं, मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, मंत्र के माध्यम से आप हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए 2000, 5000 किलोमीटर दूर बैठ के भी आप किसी भी व्यक्ति को सही कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है और एकाग्रता के साथ अपनी शक्ति के ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी है। जिस मंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं उस मंत्र के अंदर वास करने वाली शक्ति के ऊपर यकीन होना बहुत जरूरी है। और ये संभव है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर कैसे हो सकता है कि हजार किलोमीटर दूर बैठ के या 500 किलोमीटर दूर बैठ के कोई व्यक्ति फ़ोन पे मंत्र पढ़ रहा है और दूर बैठा व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ऐसा मैंने कई बार किया है, काफ़ी सारे लोगों को मैं इसी तरीके से करता हूँ। जब किसी के ऊपर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा मात्रा में हावी होती है या कुछ उसके साथ अलग गतिविधि हो रही होती है, तब हम इसी तरीके से करते हैं। करने के बाद हम उसको टाइम देते हैं 1 से 2 मिनट का और बोलते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद उनका जवाब आता है कि हाँ, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ पहले से। तो इस तरीके से मंत्रों की शक्ति कार्य करती है। और मंत्रों के अंदर एक सम्मोहन विज्ञान भी होता है, जो सम्मोहन विज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क को नियंत्रित करके उसे उसी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी देती है, पॉजिटिव थिंक सोच देती है उसको, और उस सोच के साथ ही व्यक्ति का आत्मबल भी बढ़ जाता है और उस मन से मिलने वाली पॉजिटिव तरंगों से व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मंत्रों से दूर बैठे व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है और इसी तरीके से ये मंत्र कार्य करते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।